माचिस वाली छोटी लड़की। वो शाम शदीद ठंड वाली थी। बर्फ के बादल आसमान में मौजूद थे और नीचे देहात में तारीकी छा गई थी इस नए साल की शाम पर। अरे मेरी छोटी प्यारी बच्ची, तुम इस वक्त माचिस बेचने के लिए जा रही हो। इस ठिठुरने वाले अंधेरे में मुझे तुम्हें भेजना पड़ रहा है, तुम मुझे माफ कर देना। तुम तो देख ही सकती हो, चल नहीं पा रही हूँ। जी दादी अम्मी, मैं समझ सकती हूँ। और ख्याल रहे मेरी बच्ची, ये माटी से बेचकर तुम्हें जो भी पैसे हासिल हो उससे तुम कुछ खा सकती हो, नहीं तो आज भी हमें खाली पेट सोना पड़ जाएगा। अब जाओ मेरी बच्ची। आप मेरी फिक्र ना करें दादी अम्मी, मैं तमाम माची से बेच दूंगी और इंशाल्लाह आते वक्त ढेर सारा खाना साथ लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। सर्द तारीकी में पथरीले रास्ते पर एक गरीब लड़की जो यतीम भी थी और महज 8 साल की ही थी, वो अकलमंदों की तरह चल रही थी। अपना सर गर्म रखने के लिए उसने टोपी पहन रखी थी और उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ जगहों से वो फटे हुए भी थे। वो अपने नंगे पैरों के साथ आवाज लगाते हुए जा रही थी क्योंकि उसके पास जूते भी नहीं थे। वो एक कोने में खड़ी हो गई इस उम्मीद से कि वो अपने खुले और कमजोर हाथों में थामी हुई माचिस बेच पाएगी। लोग उसके करीब आ जाते थे। क्रिसमस की खरीदारी के वक्त में वो तमाम मसरूफ थे। उस छोटी गरीब लड़की की जानिब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। ओ बेटा, उस दुकान से जो खरीदा तुम्हें पसंद आया? अरे हाँ अम्मी, ये गुड़िया बेहद खूबसूरत है, इसके कपड़े बहुत प्यारे हैं। उस माचिस वाली छोटी लड़की की आंखें भरी हुई थी लेकिन उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसे कुछ माचिस से बेचनी थी ताकि आज रात वो और उसकी दादी अम्मी कुछ खाना खा सके। इसीलिए उसने हिम्मत से अपनी आंखें पोंछी और उस खातून से कहा, सुनिए क्या आप कुछ माची से खरीदना चाहेंगी मैडम? ये बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी भी। मुझे माचिसों की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बच्ची से दूर रहो। जाने क्यों लोग इस तरह के लोगों को खास लोगों के बीच में खुलने मिलने कैसे दे देते हैं? ओ अम्मी, उसके कपड़े तो देखिए कितने पुराने हैं। माफ कीजिए लेकिन मेरे पास बस यही कपड़े हैं। वो मेरा मसला नहीं है और वैसे भी मेरे पास पैसे कतई नहीं है, और अगर होते भी तो मैं माची से तो नहीं खरीदती। चलो अब जाओ यहाँ से। मगर ये सिर्फ 1 ही रुपए की है मैडम। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अरे कहा ना मुझे नहीं चाहिए, अब निकल जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माचिस वाली छोटी लड़की घबरा गई, बर्फ गिरने लगी। एक बार फिर वो आने जाने वाले लोगों को माचिस से खरीदने के लिए आवाज लगाने लगी। मीम साहब, क्या आप कुछ माचिस से खरीदना चाहेंगी? ये वाकई में तिलिस्माती है और आपको ये जानकर हैरानगी होगी, जब आप 1 माचिस जलाएंगी तब आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होंगी। ओहो, कुछ भी कह रही हो, ये तमाम कहानियाँ हैं। लेकिन मीम साहब, कम से कम 1 तो ले लीजिए, इसकी रोशनी आपको एक खूबसूरत और बेहतरीन क्रिसमस देगी। अरे मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए, वाकई नहीं। मैं सच कह रही हूँ, इसकी हर एक तीली अलग है। आज मुझे माचिस वाकई नहीं चाहिए, और तुम भी अब अपने घर चली जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। मैं नहीं जा सकती मेम साहब, मेरे वालदैन नहीं है और मेरी दादी बीमार है, उनके लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बच्ची मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। शायद कोई और हो जो तुमसे माची से खरीद ले। हाँ शायद ये भी हो सकता है। माचिस वाली छोटी बच्ची की उम्मीदें डूबने लगी क्योंकि सर्द हवाएं मजीद तेज हो गईं और उस मासूम कमजोर लड़की के इर्द गिर्द घूम रही थी मानो अपने ठंडे नाखूनों से उसे छील रही हूँ। आखिरी मजबूत इरादे के साथ माचिस वाली छोटी लड़की माचिस बेचने की कोशिश करने लगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
आखिरकार हारी हुई और अकेली महसूस करती हुई वो फुटपाथ पर नीचे बैठ गई। ठंड की वजह से वो बहुत ज्यादा कांपने लगी। मेरे हाथ और पांव तो बर्फ के टुकड़ों की तरह से हो गए हैं, बिल्कुल ठंडे। मैं अपनी माचिसों में से एक तीली जला लेती हूँ ताकि मेरी उंगलियाँ थोड़ी सी गर्म हो सके। उस गरीब माचिस वाली लड़की के हाथ बहुत कांप रहे थे, जिस वजह से वो माचिस की तिली भी नहीं जला पा रही थी। काफी देर के बाद बहुत मशक्कत से उसने सिर्फ एक तिली जलाई। उसे हैरानगी थी क्योंकि वो तिली लोहे की सिकड़ी में बदल गई। थोड़ी ही देर के बाद उस छोटी लड़की को गर्माहट महसूस होने लगी। उसने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां सिकड़ी के सामने रख दी। वो बहुत खुश थी, लेकिन कुछ ही लम्हों में एक बर्फ की बूंद उसकी तिली पर गिर गई और वो बुझ गई। वो उठी और एक बार फिर माचिस बेचने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी एक भी माचिस नहीं बेच पाई। कि यकदम ही उसने एक आवाज सुनी, कैसे हो छोटी बच्ची, बेचने के लिए क्या है? मैं माचिस से बेचती हूँ, क्या आप खरीदना चाहेंगी? जैसे ही वो उस आवाज की जानिब मुड़ी, उसने देखा एक बेघर ज़ईफ़ औरत अपने कुत्ते के साथ एक कोने में खड़ी थी और वो दोनों भी ठंड की वजह से कांप रहे थे। तुमने मुझे नहीं देखा, मैं भी गरीब हूँ। ओह माफ कीजिए अम्मी, मुझे ये तमाम माचिसें बेचनी है ताकि मैं मेरी दादी अम्मी के लिए खाना खरीद सकूं। मासूम बच्ची, खैर क्या तुम मेरे इस कुत्ते की रखवाली करोगी? बस जरा देर के लिए ही मुझे जाना होगा, मुझे कुछ खाना भी तलाश करना होगा, शायद मैं तुम्हारे लिए भी खाने के लिए ला सकूं। अच्छा, आखिरकार मैं मेरी दादी अम्मी के लिए कुछ खाना ले जा पाऊंगी। लेकिन मैडम जरा जल्दी आइएगा, मुझे मेरी दादी अम्मी के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। माचिस वाली छोटी लड़की कुत्ते की देखरेख के लिए तैयार हो गई और वो ज़ईफ औरत जल्द अज जल्द लौटने का वादा करके चली गई। कुत्ता खामोशी के साथ उस कोने में बैठा था और उसने उसका पट्टा पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो मासूम बेचारी लड़की फिर से कांपने लगी। उसने लम्हे भर के लिए सोचा और उसने माचिस बाहर निकाली और दीवार के सामने एक तिली जलाई। उसे हैरानी हुई, उसने देखा कि उसके सामने लजीज खानों से आरास्ता एक टेबल आया है जिस पर टर्की, मेमना, बतख, मछली, सेब और केक तमाम ही आरास्ता थे। ओह, मैं ये सब खाना चाहती हूँ, मुझे इस जगह बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो लड़की केक के टुकड़े तक पहुँची, तिली की आग बुझ गई और सब कुछ गायब हो गया। वो बहुत ही उदास हो गई और उसने आसमान की जानिब देखा और दुआ की, या खुदा मुझे इस तकलीफ से निकालिए, मैं बेहद भूखी हूँ और तकलीफ में भी मेरी मदद कीजिए। और तभी उसने एक टूटता हुआ तारा देखा और उसे उसकी दादी के बताई हुई एक बात याद आई। दादी अम्मी ने कहा था किसी के इंतकाल के वक्त टूटता हुआ तारा नजर आता है। मेरी दादी अम्मी बहुत बीमार है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं मेरी दादी अम्मी का इंतकाल हो गया? ओह, दुनिया में मुझे उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। उसने एक तिली और निकाली और उसे रोशन किया। अपनी दादी अम्मी को अपने सामने देखकर उसे बहुत हैरत हुई। अरे दादी अम्मी, ये आप हैं? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ। अपनी दादी अम्मी को देखकर माचिस वाली छोटी लड़की खुश हो गई। हालांकि वो थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे उसकी दादी हवा में लहराते हुए नजर आ रही थी। डरो मत मेरी बच्ची, मैं पूरी तरह से सेहतमंद हूँ और हिफाजत में हूँ, तुम मेरे मुतालिक कोई फिक्र मत करो। माचिस वाली छोटी लड़की कितनी मेहनत से उसने माचिस से बेचने की कोशिश की ये बताने के लिए उसने अपना मुंह खोला। तब तक
फिर से एक बार तिली की आग बुझ गई और उसकी दादी अम्मी गायब हो गई। एक बार उस लड़की ने अपने पास की तमाम तिलियां एक साथ जला दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दादी अम्मी गायब हो। अब रोशनी बेहद तेज थी, बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह। उसकी दादी अम्मी फिर से सामने आ गई और उन्होंने छोटी माचिस वाली लड़की को बेहद मोहब्बत से देखा और मुस्कुराई। दादी अम्मी, मैं बहुत खौफ ज़दा हो गई थी, मुझे यहाँ पर कतई नहीं ठहरना है। खुदारा मुझे अपने साथ ले चलिए ना। हाँ मेरी प्यारी चंदा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, जरा अपना हाथ दो। दादी अम्मी ने माचिस वाली लड़की का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपनी बाहों में कस लिया और वो दोनों आसमान की जानिब उड़ने लगी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी शहजादी? दादी अम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जानती हैं, मुझे भूख का भी एहसास नहीं हो रहा है और मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। एक पंख की मानिंद हल्का हल्का महसूस हो रहा है। दादी अम्मी फिर से मुस्कुराई और वो दोनों जन्नत की जानिब उड़ते चले गए। उस वक्त एक छोटा सा टूटता हुआ तारा नजर आया। दूसरे दिन जब सूरज आसमान पर पहुंचा, तब वो छोटी माचिस वाली लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ की सभी तिलियां जल चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक प्यारी मुस्कुराहट थी। बहुत से लोग जमीन पर पड़ी उस बेजान माचिस वाली छोटी लड़की को देख रहे थे। उन सबको रंज हुआ, क्योंकि वो नन्ही सी जान उनकी जिंदगी में जो रोशनी लाती वो उसे खो चुके थे। कहानी समाप्त। छोटा टिन सैनिक। एक दफा एक खिलौने बनाने वाले ने एक टिन के टुकड़े के 25 सैनिकों को बनाया। वो तमाम बंदूक लिए हुए थे और सभी सीधे आगे देख रहे थे। सभी ने लाल नीले रंग की शानदार वर्दी पहनी थी। आखिर में जब वो एक सैनिक को बनाने लगे तो उनके हमरा ज्यादा टिन नहीं था। खिलौने बनाने वाले के पास सिर्फ इतना ही था कि वो आखिरी सैनिक को एक पैर दे सके, लेकिन उस सैनिक को कोई परेशानी नहीं थी। उसे अपने सबसे जुदा होने पर फख्र था और उसे अपने एक पैर पर भी बहुत फख्र था। वो अपनी चमकदार लाल और नीले रंग की वर्दी पर अपनी बंदूक को लेकर सीधा तन कर खड़ा था। खिलौने बनाने वाले ने 25 सैनिकों को एक बक्से में भर कर रख दिया और फिर उसने उस बॉक्स को तोहफे वाले कागज से बांध दिया। वो सब सैनिक जोजो नाम के एक छोटे बच्चे की सालगिरह का तोहफा थे। जब छोटे बच्चे ने बॉक्स को देखा, वो बेहद खुशी से चिल्लाने लगा। टिन के सैनिक, बहुत शुक्रिया अम्मी। जोजो ने सैनिकों को फर्श पर फैला दिया और कप्तान के काम के लिए आखिर के टिन सैनिक को चुना, क्योंकि वो अलग था और उसने उसे खास बना दिया। जोजो ने उसे अलमारी के ऊपर हिप्पो खिलौने के बगल में रखा, जहां सैनिक एक कत्थई रंग का टेडी बियर, एक स्लीकी डॉग, आसमान के मुसाफिर जैक नाम का एक बॉक्स, तालाब में तैरता हुआ हंस देख सकता था और एक शानदार महल के दरवाजे पर सबसे खूबसूरत लड़की को सैनिक ने अब तक देख भी लिया था और उसे उससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि उसकी तरह उस लड़की के पास भी एक ही पैर था। मैंने कभी किसी को इतना खूबसूरत नहीं देखा। ल्यूसी जी, वो हमेशा एक पैर पर नजर आती है। वो एक उम्दा बैले डांस करने वाली है। ओ, मुझे माफ कीजिए, मुझे ऐसा बदतमीजी के साथ सलूक नहीं करना था। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ। ओ, आप यकीनन एक अच्छे सिपाही हैं, नरम दिल और इज्जतदार। जनाब बहुत शुक्रिया। एक और बात, जबकि आप यहाँ हो, आपको मालूम होना चाहिए खिलौने के संदूक में जैक है, वो मतलब परस्त है। आपके मशवरे के लिए शुक्रिया जनाब हिप्पो। ये सब उसने मोहतरम हिप्पो से कहा और फिर उसने खुद से कहा, मैं उसे अपनी बेगम बनाऊंगा। लेकिन सैनिक को इस बात का एहसास नहीं था कि वो खूबसूरत लड़की एक बैले डांस करने वाली थी और इस तरह से डांस के लिए अपने दूसरे पैर को हवा में ऊंचा रखते हैं और इसीलिए वो अपनी जगह से उसका सिर्फ एक पैर देख पा रहा था। हर शाम आधी रात को जब घड़ी में 12 बजते, सभी खिलौने जिंदा हो जाते और वो खेलते। छोटे सैनिक ने ठान लिया था,
कि उस वक्त वो महल में जाएगा और शादी के लिए उस खूबसूरत लड़की का हाथ मांगेगा। लेकिन एक बात जिससे वो बिल्कुल बेखबर था वो ये थी कि बक्से का जैक भी बैले डांस करने वाली लड़की को अपनी बीवी के तौर पर देखना चाहता था। आधी रात के वक्त वो महल की जानिब कूदा। सबसे पहले वो अलमारी से कूदा और कई परेशानियों के बाद वो आखिरकार महल के करीब पहुंचने के लिए मेज पर दराज हुआ। तभी एकदम बक्से का ढक्कन खुला और जैक एक बेहद खतरनाक और गुस्सैल चेहरे के साथ बाहर कूदा। छोटे टिन सैनिक को वो गुस्से से घूरने लगा। मैं जैक हूँ, वो कभी तुम्हारे काबू में नहीं होगी सिपाही लड़के, और जाहिर है कि तुम्हारे पास एक ही पैर नसीब है। ये उन दोनों के बीच खामोशी के लम्हे थे। तुम एक संदूक में रहते हो और वो आलीशान महल में, रहने दो इरादा। छोटे टिन सैनिक ने महल की जानिब देखा। खूबसूरत लड़की उसे देख रही थी। वो मुस्कुराई, वो महल की जानिब कूदने लगा। टिन के सिपाही, जैक गुस्से में चिल्लाने लगा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस शय की तमन्ना मत करो जो तुम्हारी नहीं है। टिन सैनिक ने जैक की बुरी आवाज को अनसुना कर दिया। बहुत बेहतर कल का इंतजार करो, एक बद हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। एक शैतानी हंसी के साथ गायब होकर वो वापस बक्से के अंदर चला गया। मैं जैक की कोई धमकी नहीं सुनूंगा। छोटे टिन सैनिक ने महल और खूबसूरत लड़की की जानिब देखा। वो लूसी को देखते हुए तालाब के किनारे पर लेट गया। आखिरकार उसे नींद आ गई। वहां से सैनिक पूरे कमरे को निहार रहा था और प्यारी लूसी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो वापस मुस्कुराया लेकिन वो जैक का बक्सा नहीं देख सकता था। तभी एकदम जोरदार हवा पर्दे से टकराई और पर्दा हिला, जिसकी वजह से टिन का सैनिक खुली खिड़की से बाहर की जानिब फेंक गया और वो वहीं गिर गया। जैक के लफ्ज उसके दिमाग में घूम रहे थे। एक बद हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। और उसने तेज हवा में जैक के हंसने की आवाजें सुनी। छोटा टिन सैनिक फुटपाथ पर पहुंच चुका था। बारिश की बूंदों में वो भीगने लगा। इससे पहले उसके करीब ही नाली में पानी गिर रहा था। उसने खुद से कहा, मेरे हमराह और क्या बदसलूक होने वाला है। जैसे कि जवाब में दो लड़के सड़क पर भागते हुए आए। उन्होंने सोचा कि इस छोटे टिन सैनिक को एक खोज के लिए समुद्र में भेजना मजेदार होगा। उन्होंने जल्दी से पुराने अखबार की एक छोटी सी कश्ती बनाई और उसे उसके अंदर रख दिया। उन्होंने उस कश्ती को नाली के पानी पर बहा दिया और छोटे टिन सैनिक ने बंदूक को कंधे पर रख लिया और सोचने लगा, क्या मैं आइंदा कभी अपनी हंसी बेले डांसर को देख सकूंगा। बड़ी दराज लहरों ने कश्ती को ऊपर नीचे हिला दिया कि अचानक कश्ती नीचे जाने लगी और गिरने लगी। छोटा टिन सैनिक डर से कांपने लगा। उसने कस के अपनी बंदूक पकड़ ली। ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ, मुझे पूरा अंदाजा है कि वजह जैक ही है। नाले के अंदर बहुत अंधेरा था। उसने देखा कि जरा दूर पर ही एक कार की हेडलाइट की तरह कुछ नजर आ रहा था। जैसे ही कश्ती करीब आई उस सैनिक को महसूस हुआ कि दो बत्तियां असल में आंखें थीं। बड़े बदसूरत पानी वाले चूहों की आंखें, और ये यहाँ टहल रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, हुक्म नाम। टिन सैनिक चुप हो गया। उसका हुक्मनामा छीनने के लिए पानी वाले चूहे आगे आए, लेकिन छोटा टिन का सैनिक बहुत तेज था। उसने कश्ती को तिनके से हिलाया और कश्ती तेजी से आगे बढ़ी। चूहों ने उसका पीछा किया तो वो चीखा, उसे रोको, उसने मुझे अपना टर्न नहीं फरहम किया, उसे हुक्मनामा नहीं हासिल हुआ। लेकिन गरजने वाला पानी ऊपर उठा। छोटा टिन सैनिक दिन के उजाले को देख सकता था। आजादी, आजादी, मैं फौरन ही उसकी दिलकश हंसी देखने के लिए घर जा सकता हूँ। जैसे ही छोटी कश्ती दिन के उजाले की जानिब बढ़ी, सैनिक ने शोर सुना। ये एक झरना था। छोटी कश्ती हवा में उड़ गई। नीचे एक नहर थी। अरे दोबारा नहीं। हालांकि वो डर गया था, लेकिन
उसकी आंखें थीं कि बंद नहीं होती थी। कश्ती घूम घूम कर पानी के ऊपर गिरी और आखिरकार डूब गई। सैनिक तूफानी पानी में गिर गया और अब हर तरफ अंधेरा हो गया। उसे एक मछली ने निकल लिया और फिर कई घंटों सैनिक मछली के पेट में रहा। इतने में उसने रोशनी महसूस की और उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। या खुदा, ये तो एक पैर वाला छोटा सैनिक है। जिस मछली ने उसे निगल लिया था वो पकड़ी गई, उसे बाजार में ले जाया गया और जोजो की वालदा को बेच दिया गया। जब उस मछली को चीरा गया तो उसके अंदर छोटा टिन सैनिक मिला। उसने ध्यान से सैनिक को सुखाया और फिर महल में खूबसूरत लड़की के बगल में रख दिया। सैनिक ने उसकी जानिब देखा और मुस्कुराया और उसका दिल पिघल गया। वो उससे शादी के बारे में पूछने के लिए झुका, तब उसने उसके दूसरे पैर को देखा और फिर वो खामोश हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि वो कभी भी हाँ नहीं कहेगी। लेकिन अचानक से ही उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। आप कप्तान टिम है ना? है ना? हाँ हाँ जी मोहतरमा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी फरमाए मोहतरमा। मैंने आपको उस अलमारी पर देखा था, तब से आपसे मोहब्बत करती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? छोटा टिन सैनिक चौंक गया और उसने जल्दी से हाँ कह दी। लेकिन फिर आधी रात को 12 बजे जैक अपने बक्से से बाहर आया और वो बहुत डरावना नजर आ रहा था। उसने जल्दी से अपने बक्से से एक तलवार निकाली और कहा, तुम्हें बताया था ऐसी ख्वाहिश मत करना जिस पर तुम्हें हक ना हो। ल्यूसी मेरी है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटा टिन सैनिक ऊपर उठा और उसने अपनी बंदूक को आगे किया जिसमें एक गोली थी। वो महल के सामने लड़ने लगे कि अचानक ही छोटे टिन सैनिक ने अपनी संगीन को जैक के बक्से में डाल दिया और उसे जलते चूल्हे की जानिब फेंक दिया। वो जोर से चीखता हुआ जलते चूल्हे में गिर गया और जलकर उसका इंतकाल हो गया। छोटे टिन सैनिक ने और लूसी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर वो महल की जानिब रहने के लिए चल दिए। इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त। छोटी जलपरी। बरसों पहले दरिया के नीचे एक शहर था जिसका नाम था अटलांटिस। वहां का बादशाह ओरेन था और उसकी एक बेटी थी। वो बहुत हसीन थी। वो जलपरी सिर्फ हसीन ही नहीं थी बल्कि वो बेहद प्यारा गाती भी थी। जलपरी को किनारे पर जाकर तब तक इंसानों की दुनिया देखने की इजाजत नहीं थी जब तक वो 20 बरस की ना हो जाए। हर बरस मासूम जलपरी अपने वालिद से ऊपर किनारे पर जाने की इजाजत मांगने के लिए दरखास्त करती। सब्र करो मेरी बच्ची, तुम्हें मौका मिलेगा। आखिरकार उस रोज छोटी जलपरी की 20वीं सालगिरह थी। उस रोज के आखिर में उसके वालिद ने उसकी जानिब रुख करके कहा, वक्त आ गया है मेरी प्यारी बच्ची, दरिया के किनारे पर जाओ और वापस लौट कर आना। हमें बताना कि तुमने क्या क्या देखा, लेकिन जरा एहतियात से और इंसानों से तुम कुछ फासला रखना। छोटी जलपरी ने अपने वालिद को बोसा दिया, उन्हें अलविदा कहा और ऊपर किनारे पर जाने के लिए तैरना शुरू किया। वो रात का वक्त था। किनारे पर पहुंचने से पहले उसने एक जहाज देखा। वो रोशन था क्योंकि उस पर सैकड़ों लालटेन रोशन थी। आखिरकार वो तैरकर जहाज के करीब गई और जाते ही उसने नामालूम दिल फरेब मौसीकी सुनी। ऐसी आवाज कैसे तैयार की जाती है ये जानने के लिए वो बेताब थी। जहाज के एक झरोके से देखने के बाद उसने देखा कि अंदर जहाज के निचले कमरे में एक जश्न मनाया जा रहा था, सालगिरह का। ये जश्न एक नौजवान शहजादे के लिए था। वो बेहद खूबसूरत था। जलपरी ने पहली मर्तबा इतने हसीन नौजवान का दीदार किया था। जलपरी फौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जरा देर बाद, देर हो रही है, मुझे घर वापस लौटना होगा। वो नीचे जाने वाली थी, इतने में ही एक अजीब सी आवाज आई जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक तूफान
समंदर ने खौफनाक तूफान की शक्ल इख्तियार की। शहजादे का जहाज हिलने डुलने लगा। खौफ से सब चीखने और चिल्लाने लगे। मल्लाह उस जहाज को बुलंद मौजों से बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर एकदम से वो जहाज समंदर से बाहर आया और एक चट्टान से टकरा गया। शकिस्ता हो गया। कई अफराद शहजादे के हमरा समंदर में गिर गए। जलपरी को मालूम था कि इंसान पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, मैं मेरी मोहब्बत को गर्क होने नहीं दे सकती। ताहम वो शहजादे को जमीन पर वापस ले आई, जहाँ उसने पूरी रात उसकी खिदमत की। समंदर किनारे आते आते शहजादा बेहोश हो गया तो जलपरी ने उसे एक छोटे चर्च के सामने रेत पर लेटा दिया और मदद के लिए आवाजें लगाने लगी। फिर वो करीब के ही किसी चट्टान पर तैर कर चली गई और देखने लगी कि कोई उसकी मदद के लिए आता है या नहीं। शहजादे ने अपनी आँखें खोली। उसने देखा कि चर्च की तरफ से एक लड़की आ रही है। जब उस लड़की ने शहजादे को देखा तो वो फौरन चर्च की तरफ भागी ताकि मदद हासिल कर सके। लोग दौड़ते हुए आए। शहजादे को उठाकर खैरियत से ले जाया गया। उसके बाद छोटी जलपरी अपने घर लौट गई। कुछ रोज वो खुद में रंजीदा और खोई खोई रही, लेकिन छोटी जलपरी शहजादे को नहीं भूल पा रही थी। तो उसने एक बेवकूफाना तरीका सोचा, तैर कर जाने का और उस अजनबी के साथ रहने का जिसे उसने अपना दिल दिया था। दूसरे रोज छोटी जलपरी ने उनके वजीर केकड़ा सेबेस्टियन को बुलाया। वो फौरन हाजिर हुआ और उसने कहा, शहजादी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे उर्सुला के पास ले चलो, समंदर की जादूगरनी। सेबेस्टियन पूरी तरह हैरान रह गया और उसने कहा, हाँ, क्या आपको मालूम नहीं है कि वो कौन है? वो पूरी जादूगरनी है, आखिर क्यों? फिर उसने सेबेस्टियन को मुकम्मल दास्तान सुनाई, उस तूफान की और शहजादे के साथ रहने की अपनी ख्वाहिश भी बताई। थोड़ी बहस करने के बाद सेबेस्टियन भी बेवकूफों की तरह उसे उर्सुला के पास ले जाने के लिए तैयार हुआ। समंदर की जादूगरनी समंदर के अंधेरे और ठंडे इलाके में रहती थी और उसका घर डूबे हुए मल्लाहों की हड्डियों से बना हुआ था, जिसकी हिफाजत समंदर के जहरीले सांप करते थे। छोटी जलपरी और सेबेस्टियन जैसे ही उर्सुला की गुफा में दाखिल हुए, वो समंदर की जादूगरनी जादुई गोले के सामने खड़ी थी और उसमें देख के शैतानी हंसी हंस रही थी। उर्सुला, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मेरी प्यारी शहजादी, मैं जानती हूँ तुम क्यों आई हो। तुम ऐसे शहजादे से शादी करना चाहती हो जिससे तुम मिली भी नहीं। तुम अपनी दम से निजात पाना चाहती हो। डरो मत, मेरे पास इलाज है जो बिल्कुल कामयाब है। तो तुम मेरी मदद कर पाओगी? मेरी प्यारी बच्ची, वही तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं जी रही हूँ। मैं तुम्हारी दुम गायब कर सकती हूँ, इसमें बहुत दर्द होगा। बस मुझे बताओ कि क्या करना होगा। उर्सुला ने अपने हाथों से अपने जादू खाने से एक दवा जल्दी से निकाली। बस इस दवा से तुम दो पैरों पर चल पाओगी। मुझे वो दवा दे दो। उर्सुला डराते हुए हंसने लगी और कहने लगी, नहीं 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 नहीं, दवा हासिल करने के लिए एक शर्त है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, इसके बदले मैं कुछ लूंगी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक शहजादी हूँ जिसके पास बेशुमार दौलत है, मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारी दिलकश आवाज मुझे चाहिए, उसके बाद तुम इंसान बन पाओगी। शहजादा तुमसे इश्क करने लगेगा और तुम्हें चूमेगा। एक बार उसने तुम्हें चूमा तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी, खुश रहोगी। लेकिन अगर तुमने शर्त पूरी नहीं की तो तुम समुंदरी झाग बन जाओगी। ठीक है, मैं मेरी आवाज देने के लिए राजी हूँ। जादूगरनी ने छोटी जलपरी को दवा दे दी और उसकी आवाज ले ली। दूसरे दिन शहजादे के लोगों को एक खूबसूरत लड़की समंदर किनारे महल के पास पड़ी हुई मिली। वो लोग उसे अंदर ले गए और जब उसने चलना शुरू किया तब ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में तकलीफ हो रही हो, जैसे वो छुरियों पे चल रही हो। खादिमों ने उसे अच्छे लिबास पहनाए। फिर शहजादा उससे मिलने आया। मेरी देखी हुई लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम,
क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन वो खामोश रही। वो वही छोटी जलपरी थी। भले ही उसने बात न की हो, लेकिन वो उसी लम्हे शहजादे की पसंदीदा बन गई। वो छोटी जलपरी को लिए बिना कहीं पर भी नहीं जाता था। कुछ वक्त बाद शहजादे ने बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है, और जलपरी को लगा कि उसका दिल खुशी से फूल जाएगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी भी मेरे सच्चे प्यार की तलाश में हूँ। उसने तूफान के बारे में बताया, और एक सुंदर लड़की ने उसे कैसे बचाया ये भी बताया। उसके बाद वो कैसे उसके ख्वाबों में आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा ये भी बताया, और उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा तो उसी से शादी करूंगा। छोटी जलपरी बहुत गमजदा हुई, क्योंकि वो शहजादे को नहीं बता पा रही थी कि वो वही लड़की है, और उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दुम, अपनी आवाज और अपना घर, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। दूसरे दिन किसी इलाके का एक बादशाह शहजादे से मिलने आया। बादशाह के साथ उसकी खूबसूरत बेटी भी थी, और जैसे ही शहजादे ने बादशाह की बेटी को देखा, उसने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसे उसने दरिया के साहिल पर देखा था। शहजादे ने उससे शादी के लिए पूछा, और वो तैयार हो गई। तीसरे दिन छोटी जलपरी ने सोचा कि उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसी दिन शहजादा उस दूसरी शहजादी से शादी करने वाला था, और जब सूरज गुरूब होगा तो वो मर जाएगी, क्योंकि समंदर की जादूगरनी ने उसे ऐसा करने का वादा किया था। शादी एक जहाज पर होने वाली थी। भारी दिल लेकर जलपरी वहाँ हाजिर हुई ताकि आखिरी बार अपने शहजादे को देख सके। उसी दिन सुबह छोटी जलपरी के वालदैन उर्सला से मिले और उसे धमकाया भी। शैतानी जादूगरनी ने उन्हें एक खंजर दिया और कहा कि अगर उनकी बेटी ये खंजर शहजादे के दिल में डाल दे तो उसका जादू टूट जाएगा। शादी हो रही थी, इसीलिए जलपरी रोने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्से में गई। उसने देखा कि उसके वालदैन पानी के ऊपर आए थे, और वो रंजीदा थे। तुमने क्या किया मेरी बच्ची? उसकी माँ रो रही थी। जल्दी करो, तुम अब भी खुद को बचा सकती हो। उस जादूगरनी ने हमें ये जादुई खंजर दिया है। तुम इस शहजादे को मार दो, और जब उसका खून तुम्हारे कदमों पर गिरेगा तो तुम्हारे कदम दुम में तब्दील हो जाएंगे, और तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। जल्दी करो, सूरज निकलने ही वाला है। जब उसके वालदैन चले गए, तब वो खंजर लेकर शहजादे की तरफ भागी, और उसने देखा कि वो उसकी नई दुल्हन के साथ खुश है। खंजर का एक वार और वो आजाद होने वाली थी। उसने तेज धार खंजर की ओर देखा, और फिर शहजादे की जानिब। वो अब भी उससे प्यार करती थी, और वो फिर से जहाज के ऊपरी हिस्से पर चली गई, और उसने उस छुरे को दरिया में दूर फेंक दिया। दूसरे दिन शहजादे ने अपने खादिमों को चप्पा चप्पा छान मारने के लिए हुक्म दिया, लेकिन छोटी जलपरी का कहीं कोई नामो निशाना मिला। शहजादा गमजदा था, और अक्सर देर रात तक समंदर किनारे जाकर बैठने लगा और अपनी दोस्त को याद करने लगा। कभी कभी वो पानी पर तैरते बुलबुलों को देखता जो चांद की रोशनी में चमकते, और उन बुलबुलों में उसे छोटी जलपरी का चेहरा नजर आता। कहानी समाप्त। टॉम थम की कहानी। एक दफा एक बहुत जईफ भिखारी घनी जंगल में भटक रहा था। एक रोज जब उसके पैरों में बहुत शदीद दर्द होने लगा, तो उसने गोगो नाम के एक आंख वाले आर्क के दरवाजे पर दस्तक दी और खाने के लिए इल्तिजा की। आर्क गोगो और उसकी बेगम गीगी ने उस अजनबी का अपनी गुफा में इस्तकबाल किया। जब उसकी बेगम ने एक छोटी सी रकाबी में कुछ रोटियां रखी, तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मेहमान कोई और नहीं बल्कि मर्लिन था, जो कि एक बहुत कामयाब और सबसे जबरदस्त जादूगर था। आलीशान जादूगर मर्लिन, मेहरबानी करके छोटी सी कोशिश कबूल करें। आप दोनों बेहद नरम दिल और सच्चे हैं। मैं खुश हूँ, लिहाजा मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको कुछ पेश करना चाहता हूँ। उसने दो बार अपनी उंगलियों से चुटकियाँ बजाई, और उसके सर के ऊपर बुलबुले नजर आने लगे जिनमें तस्वीरें थीं। आला सकूतश, बहुत सारा चमकता सोना, चमचमाती रोशन हीरे की खाने, मुझे बताएं
आपकी क्या ख्वाहिश है? ओ, अगर मेरे एक बेटा होता तो मैं दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान होती। फिर चाहे वो मेरे शौहर के अंगूठे से भी बड़ा नहीं होता तो भी मुझे बेहद इत्मीनान होता। गीगी ने अपने अंगूठे को बहुत ही उम्मीद के साथ देखा। एक आर्क का बेटा वो भी किसी अंगूठे से बड़ा ना हो, ऐसी फिक्र से ही मर्लिन बहुत हैरत ज़दा हुआ और इसीलिए उसने उस बेचारी मासूम औरत की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। और फिर वहाँ फौरन ही गीगी का अंगूठा थामकर एक आर्क का छोटा सा लड़का आया। नए आर्क वालिदैन को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने मर्लिन को बहुत बहुत शुक्राने अदा किए। और इसके फौरन बाद जादूगर अपने प्यारे मेजबानों के घर से रवाना हो गया। टॉम कभी भी अपने वालिद के अंगूठे से बड़ा नहीं हुआ, इसीलिए हर कोई उसे अंगूठा टॉम कहता था। गोगो और गीगी ने अपने छोटे बेटे को खोने के डर से अपनी नजरों से कभी भी ओझल नहीं होने दिया। उसके रहने के लिए एक छोटा सा खिलौनों का सा घर तैयार किया और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो बहुत ज्यादा शातिर चालाक लड़का बना। एक दिन गोगो जंगल में लकड़ी काटने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, काश हमारे करीब कोई तांगा चलाने वाला होता। अब्बा जान, मैं तांगा चला सकता हूँ बिल्कुल तन्हा। गोगो हंसा और उसने जवाब दिया, बेहतर है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब वक्त आया टॉम ने अपनी माँ से घोड़े को गाड़ी से जोड़ने के लिए कहा और फिर वो घोड़े के कान में जाकर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा तो घोड़ा घने जंगलों से सही राहों पर चलने लगा। और जब वो एक मोड़ पर मुड़े तो टॉम ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी ये बात दो लोगों ने सुनी। उनमें से एक ने घोड़े की तरफ देखा और आवाज सुनी लेकिन उन्हें सवार नहीं दिखा। कितने हैरानी वाली बात है, एक गाड़ी आगे चली जा रही है और घुड़सवार घोड़े से बात कर रहा है मगर घुड़सवार नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत फिक्रमंदी से गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें हैरानी हुई कि ये कैसा अजीब और गरीब जादू है। गाड़ी सीधे जंगल में चली गई, ठीक उसी जगह पर जहां गोगो काम कर रहा था। तब टॉम ने अपने वालिद को देखकर कहा, क्या आपने गौर किया? अब्बा जान, मैं गाड़ी लेकर हाजिर हुआ हूँ। गोगो ने अपने बेटे को थामा और उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। इसी दौरान वो दोनों अजनबी ऊपर की जानिब देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें क्योंकि वो हैरत में थे। फिर उनमें से एक ने दूसरे का कंधा जोर से पकड़ा और दोनों लालच के साथ बोले, हमें इस छोटे से आर्क को लेकर भाग जाना चाहिए, हमारी किस्मत बदल देगा। दुनिया भर के लोग छोटे से इंसान को देखने के पैसे देंगे, हम दौलतमंद हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने जल्दबाजी में टहनियों और पत्तियों से ढककर अपने आप को तब्दील किया और गोगो जंगल के करीबी रास्ते से जा रहा था। तब उन्होंने छोटे टॉम के मुंह पर हाथ रखकर उसे थाम लिया और तेजी से उसे अपनी झोली के अंदर दबा दिया और ऐसे ही वो एक जंगल के बड़े लंबे दरख्तों के सायों में दूर निकल गए। अब्बा जान, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। टॉम सदाएं लगा रहा था लेकिन कोई भी उसे नहीं सुन सकता था। दो अजनबी अगवागरों ने शाम होने तक अपना सफर जारी रखा और टॉम अपनी आवाज में तेजी के साथ उनसे दरियाफ्त करने लगा, क्या आप मुझे नीचे उतारेंगे? मुझे बाथरूम के लिए जाना है। तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ शातिर बच्चे, हमें मालूम है कि तुम भागना चाहते हो ना? नहीं जनाब, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मुझे डोरे से कस दीजिए। वो उस लड़के को एक धागे से बांधने के लिए राजी हो गए। एक छोर टॉम को बांधा और दूसरा उस आदमी के हाथ से बंधा था। उन्होंने उसे नीचे छोड़ दिया और उसे बाथरूम जाने की इजाज़त दी। टॉम बड़े शातिर अंदाज में चूहे के बिल में घुस गया और अपने मजबूत दांतों से उस धागे को काट दिया। आदमियों ने बिल में डंडियां डाली लेकिन ये सब तो बेकार था क्योंकि टॉम बिल में रेंग कर अंदर की जानिब चला गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया
वो बेचारे परेशान होने लगे और हार मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन जरा देर बाद टॉम को पता चला कि अगवागर वहाँ से चले गए हैं, तो बिल से बाहर निकल आया और जब वो चल रहा था तो उसने दो लुटेरों को अपने वालिद गोगो को लूटने के बारे में एक साथ बात करते हुए सुना। तब वो चालाकी से बाहर आया और उनकी सारी स्कीम खराब कर दी। मैं आपको खबर दे सकता हूँ कि कैसे गुफा के दरवाजे से फिसलकर अंदर दाखिल हो सकता हूँ और फिर तिजोरी में सोना भी आपको दिला सकता हूँ। क्या कहते हैं आप? और आखिरकार तुम इस तरह हमारी मदद क्यों करोगे? इससे तुम्हारा क्या फायदा है टिंगू मियां? क्योंकि इस डकैती से मुझे भी तो हिस्सा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो फिर चलते हैं। लुटेरों ने टॉम को उनके सिर पर ले लिया और वो आगे चलने लगे। जैसे ही वो गोगो की गुफा के पास पहुँचे, टॉम गुफा के एक छोटी सी दरार से फिसलकर अंदर गया और उसने उसके लिए एक छोटी सी कुंडी खींचकर दरवाजा खोला, जिसे टॉम के वालिद ने खास तौर पर उसके लिए ही बनाया था। दोनों लुटेरे गुफा में दाखिल हुए। उनकी आंखें लालच से चमक रही थी और उन्होंने फिर से जांच की और इत्मीनान किया कि आर्क शौहर और बीवी सो रहे हैं और फिर चुपके से खजाने के कमरे की तरफ चल पड़े। जैसे ही लुटेरों ने लालच से सोने को अपनी झोलियों में भरना शुरू किया, तभी टॉम ने खजाने के कमरे का दरवाजा खींचा और जोर से बंद कर दिया और लुटेरों को अंदर फंसा दिया और उसने आवाज लगाई, अब्बा जान यहाँ आए, मैंने डकैतों को पकड़ लिया है। गोगो और गीगी दोनों जाग गए। जैसे उन्होंने आवाज सुनी तो उनके चेहरे पर एक हंसी दौड़ गई और वो अपने प्यारे बेटे की आवाज की जानिब भागे। मेरा छोटा टॉम वापस आ गया। पूरा खानदान फिर से आपस में मिल गया और साथ ही अपने सामान की हिफाजत करने के लिए इस मेहरबानी और खुशी से रोने लगे। गीगी ने तब अपने बेटे टॉम को उठाया और उसे चूम लिया। इतने में उन्होंने खजाने के कमरे के दो लुटेरे चोरों को आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए सुना। अरे टॉम, अब आ जाओ। अरे दरवाजा खोलो, तुम्हारे खजाने का हिस्सा तुम्हारी राह तक रहा है। आहा टॉम, हाँ वहाँ हो क्या? तुम मुझे सुन सकते हो? पूरा आर्क खानदान उन लुटेरों की इस बुरी हालत पर हंसने लगा। गोगो उन्हें सबक सिखाने के लिए गया और उन्हें बहुत जोर से पीटा। इतने में टॉम ने लुटेरों को अपनी जान के डर से रोते हुए सुना। जब गोगो आखिर में खजाने के कमरे से बाहर आया तो दोनों लुटेरे उसकी जबरदस्त मुट्ठी में उल्टे लटके हुए थे और टॉम को फख्र महसूस हुआ कि वो इतने अच्छे और आला वालिदैन की औलाद है। हम तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव पेश करेंगे जिस तरह आर्क के साथ पेश करते हैं। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बेटे। कहानी समाप्त। सर्प शहजादा। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत हिंदुस्तान के छोटे से कस्बे में अकेले रहती थी। वो बड़ी मुफलिसी की मारी थी। एक दिन वो नदी पर कपड़े धोने गई। उसके पास एक तांबे का मटका था जिसमें वो पानी भरकर घर पर लाती थी। उसने मटके को नदी के किनारे रखा और कपड़े धोने में मुब्तला हुई। जैसे ही उसने मटके का ढक्कन उठाया, उसने देखा कि उसके अंदर एक जहरीला सांप बैठा है। उसने सोचा, मैं इस सांप को घर ले जाऊंगी और इसे खुद को काटने दे दूंगी। मैं इस कदर गरीब और अकेली हूँ कि मैं जिंदा रहना चाहती भी नहीं। जब वो घर पहुंची तो उसने मटके को जमीन तले रखा। चुनांचे वो हैरान हो गई। सांप की जगह एक सोने का दागीना रखा था। उसने उसे उठाया और रवाना हुई महल की तरफ बादशाह को वो हार सौंपने के लिए। जब बादशाह ने वो हार देखा तो वो फौरी तौर पर खरीदने के लिए तैयार हो गया, अपनी मल्लिका को देने के लिए जो हमेशा गमजदा रहती थी क्योंकि उसकी एक भी औलाद नहीं थी। मल्लिका उस हार को देखकर बड़ी खुश हुई, उसे अपने गहने के बक्से में रख दिया। कुछ देर बाद उसने उस हार को फिर से देखना चाहा
लेकिन उसने जब वो बक्सा खोला तो वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि हार वहाँ से गायब होकर एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो गया था, जो बड़े आराम से वहाँ खेल रहा था और मल्लिका को देखकर बड़ा खुश हो गया था। ओह, कितना प्यारा है, मैं हमेशा से एक फर्जंद चाहती थी। ये बच्चा किसी भी जेवर से मेरे लिए बेहद कीमती है। बहुत साल बीत गए और वो बच्चा जवान हो गया था, जिसकी खूबसूरती और अकलमंदी की तारीफ सारा जहां करता था। बादशाह और मल्लिका ने उसके लिए एक खूबसूरत सी लड़की देखना शुरू करी और फिर और पड़ोस की सल्तनत की एक शहजादी से उसका रिश्ता पक्का हो गया। और वो खातून जिसने बादशाह को वो हार बेचा था, उसे शहजादे की देखभाल करने की नौकरी दे दी गई। वो शहजादे का बहुत ख्याल रखती थी और फिर वो बाकी खादमों से ये बात करने लगी कि कैसे शहजादे की विलादत हुई। अफवाह फैलने लगी और ये बात शहजादी के कानों तक पहुंच गई थी। उसे जानने की बड़ी ख्वाहिश थी, तो इसलिए उसने उसके निकाह के बाद तफ्तीश करना शुरू कर दी। शहजादा अपनी बीवी से मोहब्बत से बात करता, लेकिन शहजादी उससे जवाब सही से नहीं देती। काफी दिनों तक उसका यही अमल था, लेकिन शहजादा उतावला था। आखिर में उसने कहा, शहजादे मुझे आपकी विलादत का राज बताएं। शहजादे को ये सवाल सुनकर गम हुआ। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो मेरा जवाब शायद तुम्हें पसंद ना आए। बहुत माह तक ये बात ऐसी ढकी छुपी रही। हर एक लम्हे के गुजरने के बाद उन दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। आखिर में शहजादे ने इस बात को छुपाना गवारा ना समझा और उसने कहा, आज आधी रात को मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वो सच्चाई जान के बड़ा पछतावा होगा। शहजादी ये बात सुनकर इतनी खुश हुई कि उसने और कुछ नहीं सोचा। रात को शहजादे ने दो घोड़े लाने का हुक्म किया और रात की आधी पहर को और शहजादा शहजादी के साथ नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे वो रुका और बड़े ही गमजदा अंदाज में उसने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम्हारी अब भी वही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें राज की बात बता दूं? हाँ। तो सुनो, चुनांचे मैं अभी इतने बड़े बादशाह की औलाद हूँ, लेकिन मुझे एक टोटके से सांप बनाया गया था। उसने जैसे ही ये बात शहजादी को बताई, वो जमीन में जाकर गायब हो गया। शहजादी को कुछ आहटें आईं और जब उसने देखा एक सांप तेजी से नदी की तरफ रुक कर रहा है, उसने अपने शहजादे को आवाज लगाई, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। वो अपने शहजादे को पुकारती रह गई, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। जब बादशाह और मल्लिका अगली सुबह जागे तो उन्होंने देखा कि शहजादी रो रही है और उसके बाल बिखरे हुए हैं और पैरों में चोट के निशान थे, जो उस रात शहजादे को ढूंढने का सबब बने थे। उसने मल्लिका से नदी के किनारे काले पत्थरों के एक मंदिर की तामीरी काम की बात की। कभी कभी वो तन्हा वहाँ चली जाती थी और शहजादे को याद करके रोती थी। कई साल बीत गए और वो शहजादी अपने शौहर के लौटने का इंतजार करती और रोती। वो मंदिर के बाहर कभी नहीं निकली और जो पहरेदार वहाँ की हिफाजत कर रहे थे, किसी और शख्स को अंदर आने नहीं दिया। और एक दिन जब वो सुबह जागी तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पे मिट्टी के निशान लगे हुए थे। उसने पहरेदार से पूछा, क्या कोई अंदर आया था जब मैं सो रही थी? लेकिन उन्होंने जवाब में कहा कि नहीं, कोई भी नहीं। तीसरी रात शहजादी ने इरादा किया कि वो जागी रहेगी और इसलिए उसने अपनी उंगली चाकू से काट ली ताकि उसे रात भर नींद ना आए। आधी पहर को उसने देखा कि एक सांप उसकी तरफ रुक कर रहा है और उसके जिस्म पर नदी की ताजा मिट्टी लगी हुई थी। वो बिस्तर पर चढ़ गया और उसके पास आ गया और आराम से तकिए पर सरक कर सो गया। कौन हो तुम और आखिर क्या चाहते हो? मैं शहजादा हूँ, तुम्हारा शौहर। मुझे तुम्हारी याद आई तो तुमसे मिलने चला आया। शहजादी अश्क बहाने लगी। तब सांप वहां से चला गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैंने इसका जवाब दिया तो तुम पूरी जीस्त पछताओगी। ओह,
बात के लिए जिंदगी भर पछताया है और बेहद तन्हाई गुजारी है। क्या कोई ऐसा हल है जिससे आप लौट आए? हाँ, एक तरकीब है, अगर तुम में हिम्मत है तो। हाँ, तुम्हें आज रात दूध की कटोरी में शहद मिलाकर हर एक कमरे के कोने में रखना होगा। फिर नदी के सारे सांप यहाँ रुक करेंगे और दूध पिएंगे, और जो सांप सबसे आगे चल रही हो वो उनकी शहजादी होगी। तुम्हें उनके सामने रूबरू होना होगा और कहना होगा, ओ सांपों की शहजादी, ओ सांपों की शहजादी, मुझे मेरा शौहर वापस कर दे। लेकिन अगर तुम खौफजदा हो गई और अगर उन्हें नहीं रोक पाई तो वो अपने पास मुझे हमेशा के लिए रख लेंगी और तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। ऐसा कह के सांप वहां से नदी के किनारे धीरे धीरे चला गया। अगली रात शहजादी ने वैसा ही किया जैसे उसे शहजादे ने बताया था। फिर वो दरवाजे पे इंतजार करती रही और आधी रात को उसने नदी से काफी सारे सांपों की आवाजें सुनी और उसने देखा जमीन पर काफी सारे सांप लबरेज हो चुके थे। उनकी आंखें चमक रही थी और उनकी जबान लपलपा रही थी और वो सारे मंदिर की तरफ बढ़े जा रहे थे। सबसे आगे एक बड़ी और खौफनाक सांप थी जो उन सब की मल्लिका थी। उसे देख सारे पहरेदार खौफजदा हो गए और वो वहां से भाग गए और शहजादी को वो वहां अकेला छोड़ गए। लेकिन शहजादी ने फैसला कर लिया कि वो खौफजदा नहीं होगी और बेखौफ उससे बात करेगी। और उसने कहा, ओ सांपों की शहजादी, मेरी इल्तिजा सुने, मुझे मेरा शौहर लौटा दे। फिर सांपों की मल्लिका आगे बढ़ी और वो इतने पास आ गई कि वो आंखों से आंख मिला रही थी और उसकी आंखों से मानो आतिश के गोले बरस रहे हो। लेकिन शहजादी फिर भी वहीं डटी थी और उसने फिर से मिन्नत की, ओ सांपों की शहजादी, मेरी इल्तिजा सुने, मुझे मेरा शौहर लौटा दे। फिर सांपों की मल्लिका पीछे हटी। कल तुम्हें तुम्हारा शौहर मिल जाएगा। जब शहजादी ने ये बात सुनी तो वो खुश होकर बेहोश हो गई। जब अगली सुबह शहजादी जागी तो अच्छी तरीके से तैयार हुई। उसने पूरे मंदिर को फूलों से सजाया, हर जगह शमाएं जलाई और शहजादे की इस्तकबाल की तैयारियां की। आधी रात को शहजादा नदी के बाहर आया। वो दौड़कर उसके पास आया और एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया। वो एक दूसरे से हमाशना होकर बहुत खुश थे। बादशाह सलामत और मल्लिका साहिबा अपनी औलाद को पाकर बड़े खुश हुए और पूरी सल्तनत में दावत करवाई। और वो बूढ़ी खातून शहजादे की देखभाल करने के लायक नहीं रही थी और वो उससे अब बहुत मोहब्बत करती थी। और शहजादा और शहजादी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहे। बोने और मोची। एक दफा एक मोची हुआ करता था जो खूब मेहनती था और बेहतरीन जूते बनाया करता था। लेकिन इससे फिर भी उसका गुजारा नहीं हुआ करता था। आखिर में वो पूरा कंगाल हो गया और उसके पास बस इतना चमड़ा बच गया था कि उससे सिर्फ एक जोड़ी जूते बन सकते थे। उसी शाम उसने चमड़ा काटा और अगली सुबह जूते बनाने की तैयारी शुरू की। और फिर उसी रात वो अपनी बीवी के साथ सोने के लिए ऊपर के कमरे में चले गया। लेकिन वो काफी गमजदा था। अगली सुबह वो जागा और खुदा की इबादत की और अपने काम पर रवाना हुआ। और वो हैरान रह गया जब उसने देखा जूते तो सिल के तैयार हैं। वो ज़ईफ आदमी इस मुंतशर में मुब्तला हुआ कि ये हुआ कैसे। उसने जूते की अच्छे से जांच पड़ताल की और उसने पाया कि ये सलीके से सिले गए हैं।
उसी दिन एक खरीदार दुकान पर आया जूता खरीदने के लिए, और जब उसने देखा जूते बड़े आला दर्जे के हैं, तो उसके लिए वो दुगना दाम देने के लिए तैयार था। उसने उन पैसों से इतना चमड़ा खरीदा कि उससे दो जोड़ी जूते बन सकते थे। उसने फिर से चमड़े को काट दिया और सोने चला गया ताकि वो उसे अगली सुबह सिला सके। लेकिन जब वो जागा, उसने देखा जूते फिर से सिल के तैयार थे। वो दोनों जोड़ी जूते उन पहले जूतों से भी बहुत अच्छे बने थे, और उसी दिन उन दोनों जूतों की बिक्री हो गई और उसके पास इतने पैसे आ गए कि चार जोड़ी जूते सिले जा सकते थे। कई हफ्तों और माह बाद यही चलता रहा। हर शाम वो चमड़े को काट लेता था और खुदा की इबादत करके सो जाता था, और हर सुबह वो पाता कि जूते अच्छी तरीके से सिल के तैयार होकर मेज पर रख दिए जाते। पहले 8 जोड़ी, फिर 20, फिर इतने कि गिनना मुश्किल हो गया था। उसके पास इतने खरीदार थे कि अब वो सबसे अच्छा चमड़ा खरीद सकता था और बाकी जरूरत के सामान भी। उसने बूट बनाना शुरू किया सबसे मुलायम चमड़े से, जो कि शिकार करने के लिए बेहतरीन था। उसने वेलवेट, सिल्क और कई तरीके के जूते बनाना शुरू कर दिए, जो जश्न के लिए औरतों को पहनने के लिए काफी अच्छे लगते थे। और इतने माह गुजरने के बाद वो मोची इतना अमीर हो गया था कि अब वो अपने उन मददगारों को के नाम कुछ करना चाहता था। एक रात वो और उसकी अहलिया चमड़े के पीछे छुपकर देखने लगे कि ये सारी करामात किसकी है। आधी रात को दो बरहाना छोटे बौने वहां आए और उन्होंने मोची के सारे जूतों को एक झटके में सिला दिया और फिर वो गायब हो गए। और मोची और उसकी अहलिया को उनकी मुफलिसी पर बहुत अफसोस हुआ। उसकी बीवी ने उन दोनों बौनों के लिए छोटे से प्यारे से कपड़े सिले और मोची ने सिल्क के दो प्यारे जूते बनाए। उन दोनों ने तोहफे को टेबल पे रखा और चमड़ों के पीछे जाके छुपकर देखने लगे। जब वो बौने फिर से आए और उन्होंने वो तोहफे देखे तो बहुत खुश हुए। उन्होंने वो कपड़े पहने और खुशी में झूम झूम कर नाचने लगे, और वो फिर वहां से गायब हो गए और फिर कभी नहीं आए। लेकिन वो मोची कामयाबी की ऊंची चोटियों को छूते रहा और बड़ा अमीर रहा। खुश शहजादा शहर से बहुत आगे एक ऊंची मीनार पर खुश शहजादे का एक पुतला रखा था। वो सर से पांव तक बारीक सोने की परतों से आरास्ता था। उसकी आंखों की जगह दो चमकदार नीलम थे और उसकी तलवार के हत्थे पर बड़ा सा लाल चमकदार मानिक था। एक रात एक छोटी चिड़िया शहर के ऊपर परवाज कर रही थी। वो थकी हुई थी और उसे वो शब खुश शहजादे के कदमों में बितानी थी। वो सोने ही वाली थी कि उस पर पानी की एक बूंद गिरी। उसे हैरानी हुई क्योंकि आसमान में अभी तक कोई बादल नहीं था। उसके बाद एक दूसरी पानी की बूंद उस पर आकर गिरी। वो चिड़िया सोने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगी। इतने में एक तीसरी बूंद फिर उस पर आकर गिर गई। चिड़िया ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो उसे समझ आया कि पानी उस शहजादे की आंखों से बह रहा है। उस चिड़िया को उस पर बहुत तरस आया और उसने पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों रो रहे हैं? मैं भी एक इंसान था और एक शानदार महल में रहता था। मैं बहुत रहम दिल था, मेरा दिल बहुत सच्चा था। मेरी सल्तनत में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और इसीलिए मेरे दरबारी मुझे खुश शहजादा कहते थे। मेरी मौत के बाद मुझे एक ऊंचे खंभे पर बिठाया गया है। मेरा दिल शीशे से बना हुआ है, फिर भी जब भी मैं मेरी रियासत की परेशानी और बदहाली देखता हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है। आप बहुत रहम दिल हैं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में एक दर्जी का छोटा बच्चा बीमार है। वो रो रहा है क्योंकि उसकी माँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रही है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। और वो उस छोटे बच्चे को करीब से बहने वाली नदी का पानी दे रही है, लेकिन उस बच्चे का पेट खाने के लिए तरस रहा है। अब आप यहाँ से उनकी मदद कैसे करेंगे?
मेरी तलवार के मुंठ से मानिक ले लो और उस गरीब औरत को देकर आओ। उस छोटी चिड़िया ने शहजादे का हुक्म माना और उसके बाद उसने दर्जी की झोपड़ी की तरफ परवाज की। वो उसके घर पहुंची और टेबल पर मानिक रख दिया। उस गरीब बच्चे को बीमारी से थोड़ी राहत मिले, इसलिए वो उसके करीब करीब थोड़ी फड़फड़ाई भी। जैसे ही चिड़िया वापस उड़ी, वो गरीब माँ चमकदार मानिक लेने के लिए उठ बैठी। माँ और बच्चा दोनों बहुत खुश थे। जब चिड़िया वापस लौट आई, तब शहजादे ने कहा, मुझे एक मुसन्निफ दिखाई दिया है, उसे बहुत ठंड लग रही है और वह बहुत भूखा है, फिर भी वो कहानी लिख रहा है, क्योंकि अगर उसने वो कहानी अधूरी छोड़ी तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्यारी चिड़िया, बराए मेहरबानी तुम मेरी आंखों में से एक नीलम निकाल कर उसकी मदद कर सकोगी क्या? नहीं शहजादे, मैं ये नहीं कर सकती। ये मेरा हुक्म है प्यारी चिड़िया। उस चिड़िया को शहजादे की आंखों से नीलम निकालने की कतई ख्वाहिश नहीं थी, फिर भी उसने गैर इरादतन उस रहम दिल शहजादे का हुक्म माना। इसीलिए वो चिड़िया एक बार फिर, चाहे एक लम्हे के लिए ही, एक और परेशान हाल की जिंदगी में उसकी कुछ मदद के लिए परवाज कर गई और उसने वो नीलम उस मुसन्निफ की टेबल पर रख दिया। चिड़िया ने देखा, इतनी ठंड और बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से वो मुसन्निफ बेहोश हो गया है। ताहम चिड़िया ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसने मुसन्निफ के करीब ही रखे आग की जगह पर डाल दी और आग रोशन की। जैसे ही चिड़िया वहाँ से दूर गई, मुसन्निफ को जलती हुई आग से गर्मी हासिल हुई और वो धीरे धीरे उठ गया। उसने देखा कि टेबल पर चमकदार नीलम है, जिसे हासिल करके वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने रब से इस नेमत का शुक्रिया अदा किया। फिर से छोटी चिड़िया परवाज कर गई और फिर शहजादे ने उससे कहा, मुझे एक छोटी लड़की दिख रही है, उसके पास की सभी चीजें नाले में गिर गई हैं। वो बहुत घबराई हुई है और कांप रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो खाली हाथ घर लौट गई तो उसके वालिद उसे बहुत पीटेंगे। शहजादे, उसे देने के लिए आपके पास कुछ भी बाकी नहीं है। प्यारी चिड़िया, मेरे पास एक और आंख बची हुई है, बराए मेहरबानी उस बेचारी लड़की को दे दो। नहीं शहजादे, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब अगर मैंने आपका दूसरा नीलम भी हासिल किया तो आप अंधे हो जाएंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ प्यारी चिड़िया, किसी की मदद करने की ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो और अपने सफर पर निकल सकती हो। शहजादे के हुक्म की वजह से उस चिड़िया ने बिना ख्वाहिश के ही खुश शहजादे की आंखों का दूसरा नीलम भी निकाल लिया और अब शहजादा पूरी तरह से अंधा हो चुका था। कुर्बानी की ऐसी शानदार पहचान रखने वाले उस पुतले के लिए चिड़िया का यह आखिरी काम था और बहुत तसल्ली से चिड़िया ने उस नीलम को निकाल कर उस लड़की के हाथ में रख दिया और फिर से शहजादे के पास लौट आई और उसने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी शहजादे, मैं यहाँ मेरी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। इसी वक्त से मैं आपकी आंखें बनूंगी। अब वो चिड़िया बहुत सारे परेशान रहने वाले लोगों का अजीब से दिखने वाले मुजस्मे को हर रोज खबर देने लगी। उस खुश शहजादे के हुक्म से चिड़िया ने उस मुजस्मे से सोने की परतें निकालना शुरू करी और गरीब लोगों की मदद के लिए उन तमाम परतों को उन लोगों में बांट दिया ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। अब मुजस्मा बदसूरत और काला बन चुका था, अब उसके ऊपर कोई सोना नहीं बचा था। जल्दी ही सर्दी का मौसम आ गया और उस चिड़िया को सर्दी की वजह से बहुत ठंड लगने लगी थी। इतनी ठंड थी कि वो चिड़िया मरने वाली थी। उसने खुश शहजादे की जानिब छलांग लगाई और उसकी पेशानी को चूम लिया। मैं आपसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हूँ मेरे शहजादे। अच्छा, आखिर तुमने अपने अगले सफर का फैसला कर ही लिया। मेरी छोटी दोस्त, मुझे तुम पर फख्र है। संभल कर जाओ मेरी छोटी दोस्त, संभल कर जाओ। नहीं शहजादे, मैं अब अपनी मौत का आखिरी सफर करने वाली हूँ। मेरी मौत तो बरहक है, इसीलिए एक दिन मैंने आपके साथ रहने का फैसला किया है। मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि मैं खुश हूँ और बहुत सुकून में हूँ। जिस मुजस्मे से चिड़िया को मोहब्बत थी और लगाव था, उसी मुजस्मे के कदमों की तरफ चिड़िया फड़फड़ाते हुए गई। वो शहजादा भी बहुत वक्त तक रोता रहा। अब उसके जिस्म में जो शीशे का दिल था वो काला सा हो गया था और वो फूट कर दो टुकड़े हो गया।
वहाँ के मेयर ने वो पुतला नीचे खींचने का हुक्म दिया, क्योंकि वो खूबसूरत नहीं रहा था और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। लेकिन टूटा हुआ दिल भट्टी में पिघला ही नहीं, इसीलिए उसे दूर फेंक दिया गया और वो एक कचरे के ढेर पर आकर गिर गया, जहाँ मासूम चिड़िया भी मरी हुई पड़ी थी। ये सब देखकर रब ने उसके जरिए बनाए फरिश्तों को उनका इम्तिहान लेने के लिए वहाँ भेजना चाहा और इसीलिए उन्होंने कहा, जमीन पर मौजूद मेरे जरिए बनाई गई दो बेशकीमती चीजें मुझे ला कर दो। जी अल्लाह। अब वो जन्नत के फरिश्ते उस कचरे के ढेर के करीब आए, जहाँ मासूम चिड़िया मरी पड़ी थी और खुश शहजादे का दिल भी था। उन फरिश्तों ने उन्हें ऊपर उठा लिया और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरा बाकी था। ओ आसमानी रोशनी के मालिक, आपकी जमीन पर हमें ये दो बेशकीमती चीजें मिल गई हैं। खुश राजकुमार का सीसे का दिल और मरी हुई चिड़िया, इन दो अनमोल चीजों को चुनने के लिए रब ने फरिश्तों की बहुत तारीफ की। अब यह चिड़िया यहाँ मेरे बगीचे में रहेगी और राजकुमार भी यहीं रहेगा, वो मेरी इस खूबसूरत जन्नत का मजा लेंगे। अब जब कभी चिड़िया और खुश शहजादा दुनिया में तकलीफ देखेंगे, तब उनके आंसू आसमान से नीचे गिरेंगे और उन्हीं की बदौलत बादलों से नर्म बारिश होगी। कहानी खत्म हुई। बहुत साल पहले मिडास नाम का एक बादशाह था। वो इस जमीन का सबसे दौलतमंद आदमी था, मगर वो और भी ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता था। 1,40,25,30,372। वो सोने से बहुत मोहब्बत करता था। सच तो ये है कि सोने को वो अपनी शहजादी मैरी गोल्ड से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। अपनी शहजादी का नाम उसने इस खूबसूरत फूल के नाम पर रखा था। मैरी गोल्ड एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी, वो अपनी वालिद की मोहब्बत के लिए तरसती रहती थी। एक रोज उसने खुदा से दुआ की और अपने वालिद के तकब्बुर की शिकायत की। खुदा ने उसके वालिद को सबक सिखाने की ठानी और बादशाह के सामने अपने फरिश्ते को भेजा। कौन है आप? तुम खुश रहो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता हूँ। काफी सारा सोना? कोई इतना खुश नसीब नहीं कि उसे इतना सारा सोना मिले। कैसा रहेगा अगर तुम दुनिया में सबको सोना तकसीम करते रहो और उसके बाद भी तुम दौलतमंद इंसान बने रहो? तकसीम करूं तो इसके बाद मैं कैसे दौलतमंद बना रहूंगा? तुम्हारे दिल को किस चीज से तसल्ली मिलेगी? हाँ, है एक ऐसी चीज जिससे मुझे तसल्ली मिलेगी। तो क्या है वो? मैं जिस चीज को छू वो चीज सोने में तब्दील हो जाएगी। खुदाई फरिश्ता अपना हाथ बादशाह की पेशानी पर रखकर कहते हैं, राजा मिदास, तुम्हारा दिल तो मुफलिसी का मारा है। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हें लामहदूद खजाना मिले। खुदाई फरिश्ता अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हैं और गायब हो जाते हैं। शायद ये ख्वाब था, मैं इस कमरे में बहुत देर से हूँ। सोने की अशरफियों के ढेर पे लड़खड़ाते हुए बादशाह अपने खजाने वाले कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ लगाता है, पूरा दरवाजा सोने में तब्दील हो जाता है। सोना? ये तो सोने में तब्दील हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और वो दीवार भी सोने की हो जाती है। सोना, ये भी सोना बन गया। मिडास अपने महल में दौड़ता हुआ जो भी चीज उसे दिखती उन सभी चीजों को छूने लगा। खुशी में डूबा वो जोर जोर से हाँफता हुआ अपनी शहजादी बेटी के कमरे में पहुँचा। मैरी गोल्ड अपने वालिद को देखती है। अब्बा हुजूर, मेरे ये हसीन खूबसूरत गुलाबों को देखिए, ये कितने लाल है ना, और इनकी महक भी कितनी खुशबूदार है। मिडास अपनी बेटी की बातों को बीच में काट कर कहता है, मैरी गोल्ड, मैं तुम्हें एक मौजजा दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फूल खूबसूरत है तो रुको, मैं तुम्हें एक मौजजा दिखाता हूँ। बादशाह गुलाब के फूलों के गुच्छे को छूता है और वो फौरन सोने में तब्दील हो जाते हैं। अबाजान, आपने ये क्या किया? ये फूल कितने बेरंग हो गए हैं, इनका असल रंग गायब हो गया है और अब इनसे बदबू आ रही है और इनकी पत्तियाँ कितनी सख्त हो गई है। लेकिन इनकी कीमत अभी बढ़ चुकी है। मेरे
सारे गुलाब बर्बाद हो गए। बराए मेहरबानी आप बाकी गुलाबों को हाथ न लगाएं। वो जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। अपनी बेटी की बातों को अनसुना करते हुए बादशाह मेडास बगीचे में दौड़ता हुआ मैरीगोल्ड के पूरे बगीचे को सोने का बना देता है। मैं इस नई ताकत को हासिल करने की खुशी में दावत देना चाहता हूँ। तो क्या मुल्क के सारे इज्जतदार लोगों को न्योता दिया जाए? बेशक दिया जाए। उस रात रियासत के सभी इज्जतदार मर्द औरत बादशाह मेडास की महफिल में तशरीफ लाए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। सभी मेहमान आपस में बातचीत कर तरह तरह की अटखेलियाँ लगा रहे थे। तभी बादशाह मेडास ने कहा, जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे अपने मिट्टी का बर्तन दीजिए। जैसे ही बादशाह ने उस बर्तन को छुआ, वो बर्तन सोने का हो गया। वहां खड़े मेहमानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह मेडास ने सब लोगों की आंखों के सामने तमाम बर्तनों को सोने में तब्दील कर दिया और सबको हैरान कर दिया। बादशाह अपने इस नए करिश्मे का मुजाहिरा करता रहा जब तक सब कुछ सोने का नहीं हो गया। थका हारा और भूखा प्यासा बादशाह अपने ग्लास में जाम भरकर जैसे ही लोबों पर लगाने लगा, जाम भी सोने का बन जाता है। उसका चेहरा फीका और लाल पड़ जाता है। वो अपने कांपते कांपते हाथों से जब रोटी उठाता है तो सारी की सारी रोटियां उसकी उंगली पड़ते ही सोने की बन जाती हैं। शहजादी मैरीगोल्ड अपने वालिद के चेहरे पर खौफ के असरात देखती है। क्या हुआ अब्बा जान? मैरीगोल्ड दौड़ती हुई अपने वालिद की जानिब जाती है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, वो अपने वालिद की बाहों में लिपट जाती है। पर ये क्या? नहीं, मैं कितना गलत था। ये मौजजा तो बद्दुआ है। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। बादशाह की लाचारी और पुकार सुनकर आखिरकार वही खुदाई फरिश्ता दोबारा नाजिल होता है। तुम पर रहम करूं तो तुम अपने में क्या तब्दीली लाओगे? तो मैं अपना खजाना खोलकर गरीबों में तकसीम कर दूंगा ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिले और मैं खाना नोश कर सकूं। यही वो बातें हैं जो मेरे लिए दौलत से भी ज्यादा मायने रखती हैं। लगता है तुम पहले जैसे बनने के लिए सबक सीख चुके हो। तो मेरे साथ चलो और नदी में डुबकी लगाओ जो बगीचे के पास ही है। जैसे ही बादशाह ने नदी में पैर रखा, उसके बदन से चिपके हुए सोने के जर्रात धूल बनकर नदी की रेत में मिल जाते हैं। बादशाह अपनी महल की जानिब वापस दौड़ता है और देखता है कि बाग के गुलाब फिर से पहले की तरह लाल हो चुके हैं और उनकी खुशबू भी वापस लौट आई है। मैरीगोल्ड! मैरीगोल्ड अपने वालिद की जानिब दौड़ती है और उनके गले लग जाती है। उसने खुदा से जिस चीज की दुआ की थी वो आखिरकार उसे मिल गई, वालिद की मोहब्बत। मछली शहजादा। एक जमाने में एक इलाके के बादशाह और मलका के दो बेटे थे। उन दोनों में से बड़ा बहुत बूना और बदसूरत था और उसकी पेशानी पर बिल्कुल दरमियान में सिर्फ एक ही आंख थी। उसका छोटा भाई लंबा और खूबसूरत था और वो खुद को बादशाह समझता था। बादशाह ने अपनी पसंद का इजहार किया और उसने अपने छोटे खूबसूरत बेटे को बादशाह बनाने का फैसला किया। मेरी आवाम बोने और एक आंख वाले बादशाह का हुक्म नहीं मानेगी। इससे दीसा उनका बड़ा बेटा बहुत गुस्सा हो गया। यह सल्तनत सिर्फ मेरी है, या फिर इसे तकसीम किया जाए। मटनी एक जादूगरनी थी, वो दीसा की बीवी थी। उसने पूरी सल्तनत अपने शौहर को देने का फैसला किया और उसने एक दावत रखी और छोटे भाई को बुलाया। उसने अपने शौहर से कहा, खाने के बाद आप अपने भाई के साथ बालकनी में बैठकर दरिया की तरफ देखिए। मैं उसे मछली में बदल दूंगी और बाद में आप उसे बहते पानी में फेंक दीजिए। उसके बाद हमें उससे निजात मिल जाएगी। इस पर दीसा राजी हुआ और खाने के बाद उसने उसके भाई को अपने साथ बालकनी में बैठने के लिए बुलाया। बाद में मैटनी ने छोटे शहजादे के सिर पर जरा सी पाउडर डाली। उसकी इस हरकत से जल्दी से शहजादा एक छोटी मछली में बदल गया और उसके भाई ने उसे ऊपर उठाया और इस खुराफात पर हंसते हंसते उसे नजदीक की नदी में फेंक दिया। ये सब कुछ बिल्कुल एकदम से हुआ। अपने साथ क्या हो रहा था इसका शहजादे को पता ही नहीं चला।
नदी की जोरदार बहाव में आने से वो हर तरफ हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा। आखिर में जब उसे मालूम हुआ कि वो एक मछली में बदल दिया गया है, तब वो पानी की गहराई में तैरने लगा और जान गया कि मैटनी ने उस पर जादू किया है और उसे भी जितना हो सके उतना उन दोनों से दूर जाना था। इसीलिए जब तक वो अपने अब्बा की सल्तनत के पार नहीं जाता, तब तक वो तैरता ही रहा। कुछ दिन बाद एक रोज कुछ मछुआरों ने उसे अपने जाल में पकड़ लिया और खाने के लिए उसे एक इलाके के बादशाह के महल में ले गए। वो एक बड़ी मछली नहीं था, तो वहाँ के खानसामा ने सोचा कि ये बहुत बड़ा बन सकता है, इसीलिए उसे पकाने की बजाय उसे संभाल कर रख दिया जाए। मैं इसे मलका के कमरे में लेकर जाऊंगा, उन्हें कोई औलाद नहीं है, ये मछली उनका दिल बहलाएगी। उस प्यारी छोटी मछली को देखकर मलका बहुत खुश हो गई और वो उसका ख्याल रखने लगी। बहुत दिन गुजर गए और वो मछली उस टंकी में बहुत बड़ी हो गई, इसीलिए मलका ने उसके लिए दूसरी टंकी बनवा ली। ये बहुत ही प्यारा है, इसीलिए हम इस मछली शहजादे को नियू नाम से पुकारेंगे। बहुत दिनों बाद मछली शहजादा बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मलका ने उसके लिए एक बड़ी टंकी बनवाई जिसके जरिए दरिया का साफ पानी अंदर और बाहर आता जाता था। इसके बाद एक दिन मछली शहजादे को उस टंकी में आराम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मलका बहुत घबरा गई और उसने उनसे पूछा, क्या तुम यहाँ ठीक नहीं हो नियो? कुछ वक्त बाद सोचकर मछली शहजादे ने कहा, मेरी प्यारी मलका, मैं यहाँ बिल्कुल खैर से हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए एक अच्छी बीवी ला पाए तो मैं बेहद खुश रहूँगा। यहाँ मुझे छोड़कर सब कुछ बहुत वीरान और खामोश सा है। ये जवाब सुनकर मलका हैरान हो गई, लेकिन उसके बाद भी शहजादा सिर्फ दिखने के लिए ही मछली है, ये बात मलका नहीं जानती थी। अब मलका मछली शहजादे को अपने बेटे की तरह संभालने लगी और उसकी शादी करने के लिए किसी भी लड़की को परेशानी नहीं होगी, उसे ऐसा महसूस होने लगा। ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे लिए बीवी तलाश करूंगी और उसके लिए टंकी में एक अलग कमरा बना दूंगी। उसने उसके बाद एक कमरा बना लिया, मगर मछली शहजादे के लिए बीवी ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। सब लोगों को पता था कि नियो मलिका का पालतू है, लेकिन उसके भी आगे जाकर वो एक अफवाह थी। लोग कहते थे कि वो मछलियों में सबसे बड़ा था और तमाम को यही लगता था कि उसे बीवी सिर्फ खाने के लिए चाहिए। लेकिन मलिका ने अपने सिपाहियों को बहुत दूर दूर तक भेजा, इनमें कई गरीब और कई रईस लोग भी शामिल थे, मगर मछली शहजादे को खुद अपनी बेटी उसकी बीवी के तौर पर देने के लिए कोई भी वालदेन रजामंद नहीं थे। जो कोई अपनी बेटी मछली शहजादे को देगा उसके लिए मलका ने कुछ इनाम रखा है, मगर ये कोशिश भी कोई खास काम नहीं आई। आखिरकार एक फकीर ने सोने के बड़े इनाम के बारे में सुना और उसने सिपाहियों से कहा, तुम मेरी बेटी को लेकर जाओ, वो जैसी है उससे भी बदतर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। सोना मुझे रईस बना देगा। वो कहा है, वो नीचे नदी के पास कपड़े धो रही है, मेरी पहली बीवी की औलाद है, सौतेली माँ उसे सब मेहनत वाले काम करवाती है, उससे खिदमत लेती है, पेट भर के खाना भी नहीं देती। उसे उसकी काबिलियत से ज्यादा ही मिलने वाला है, आप उसे लेकर जा सकते हो, उससे छुटकारा पाकर हम तो खुश रहेंगे। उसे मछली शहजादे ने निगल लिया तो भी चलेगा। आखिरकार उस सिपाही ने उस फकीर को सोने की एक थैली दी और वो दरिया की तरफ चल दिया। दरिया के किनारे पर एक खूबसूरत लड़की कपड़े धो रही थी, उसे कौन सा काम करना है ये मालूम होने पर वो खूब रोने लगी और उसने कहा कि उसे लेकर जाने से पहले अपने दोस्त को अलविदा कहने का मौका दिया जाए। वो गुजारिश करने लगी, कौन है ये दोस्त? मलका कह रही थी हमें थोड़ी जल्दी करनी है। ये सात सिर वाला कोबरा है, मैं मेरे बचपन से उसे पहचानती हूँ। वो लड़की अभी भी रोते हुए किनारे पर ही दौड़ रही थी और कोबरा जिस बिल में रहता था उस बिल में से उसने अपना सिर ऊपर उठाया। रोना बंद करो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरे बिल के बाहर से 3 मरमर के पत्थर ले लो और वो तुम अपने लिबास में रख लो। जिस वक्त नियो को तुम आते हुए देखोगी उस वक्त उस पर पहला पत्थर मारना, जब वो उसे लगेगा वो डूब कर टंकी के तले में चला जाएगा। फिर जब वो पानी की सतह पर आए उसे दूसरा पत्थर मारना और फिर से दोबारा वही होगा।
फिर उसे तीसरा पत्थर भी तुम मारना और वो मछली से शहजादे में बदल जाएगा। क्या वो सचमुच मछली नहीं है? वो एक बादशाह का बेटा है और उस पर तिलिस्म किया गया है, लेकिन मेरे बताए हुए रास्ते से तुम उसके जादू का खात्मा कर सकती हो। इसीलिए माया ने अपनी आंखें पोंछ ली और वो उन सिपाहियों के साथ महल की जानिब चल पड़ी। जिस टंकी में मछली शहजादा रहता था, वहाँ उन्होंने उसके लिए एक छोटा कमरा दिखाया जो कि सिर्फ उसी के लिए बनाया था। मलका ने उसका बोसा ले लिया और उससे कहा, मुझे मेरे नियो के लिए जैसी दुल्हन चाहिए थी, तुम बिल्कुल वैसी हो। उसने उसे उस छोटे कमरे में छोड़ दिया जहाँ वो नीचे बैठ गई और हाथ में पत्थर थामे रही। वो उसकी राह देखने लगी। कुछ देर बाद उस जगह पर बहते हुए पानी की आवाजें आईं और उसकी लहरें दरवाजे से टकराने लगी। वो गौर से देखने लगी और वहाँ एक बड़ी मछली उसकी तरफ आ रही थी और उसका मुंह बहुत फैला हुआ था। मुझे मेरी बेगम को देखना है, दरवाजा खोलो। सिर से पांव तक कांपते हुए घबराकर माया ने दरवाजा खोला और उसने पहला पत्थर मारा। वो उसके मुंह से पेट में चला गया और वो एक पत्थर की तरह डूब गया, लेकिन एक दो मिनटों में वो फिर से सतह पर आ गया। उसके बाद माया ने दूसरा पत्थर मारा, वो उस मछली राजकुमार के सिर पर लगा और दूसरी बार भी वो डूब गया। माया अब रंजीदा थी क्योंकि उसने उस शहजादे को जो तीसरा पत्थर मारा था वो चूक गई थी। वो उसकी सिर्फ पूंछ की नोक पर लगा था, लेकिन इस बार वो डूबा नहीं था बल्कि एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। तुमने मुझे जादू से आजाद कर दिया है, अब हम सूरज की रोशनी और दुनिया की तमाम नेमतों को जी सकेंगे और इसके बाद हमें किसी टंकी में रहने की जरूरत नहीं है। फिर उन्हें पानी से बाहर निकाला गया और महल में लाया गया और फिर सबसे शादमान जोड़ी की तरह माया और मछली शहजादा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त। जादू की चक्की। बहुत वक्त पहले इजिप्ट में नूर नाम की एक गरीब खादिमा रहती थी। वो अनुबिस नाम के एक लालची मालिक के पास काम करती थी। जब वो पूरा दिन छांव में बैठा रहता, तब नूर और उसके भतीजे उस मालिक के बगीचे में काम करते। नूर जब फलों और सब्जियों को निकालती, तब रा और सेत खराब घास को काट देते। हर रोज शाम को जब वो फल और सब्जी की टोकरी अनुबीस के करीब लाते, तब वो उस भरी टोकरी को तराजू पर रख देता। बुरा नहीं। लेकिन जब भी नूर अपनी तनख्वाह मांगती, वो हमेशा चिल्लाता, कल वापस आना। तो नूर के पास पैसे नहीं थे। बिना पैसे वो अपने भतीजों के लिए खाना भी नहीं खरीद सकती थी। एक दिन वो अलमारी के पास गई और वो खाली थी। मैं जाऊंगी और मालिक अनुबीस से कुछ खाने के लिए मांगूंगी। नूर सीधे मालिक के घर गई। वो अपने किसी नौकर की बजाय खुद दरवाजे पर आया। तुम क्या चाहती हो? मैं बहुत मसरूफ शख्स हूँ। नूर ने उसके बावर्ची खाने में देखा, जहाँ उसने लजीज खाना देखा, तब उसे पहले से तेज भूख लगने लगी। मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए, मेरे भतीजे बहुत भूखे हैं। खाना? मेरे पास अपने लिए ही ज्यादा खाना नहीं है, उसने झूठ बोला। चली जाओ। मासूम नूर खुद के लिए या अपने भतीजों के लिए भी खाना लिए बिना ही वहाँ से वापस लौट गई। घर के रास्ते पर नूर को एक गुफा के सामने से गुजरना पड़ता था कि यकदम ही उसे एक तकलीफ से भरी कराहने की अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कि अंदर से आ रही थी। या खुदा, कैसी आवाज है ये? ऐसा लगता है किसी को चोट लगी है। ये एक अजदहा था जो पत्थरों के नीचे फंस गया था और दर्द की वजह से जोर जोर से कराह रहा था। पहले तो नूर को खौफ आया, लेकिन थोड़ी देर बाद मदद के लिए उसके रोने की आवाज सुनने पर उसे भी उस पर तरस आया और उसका डर खत्म हुआ और उसने अजदहे से कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ये बड़े पत्थर उठाना मेरे लिए बहुत भारी काम है। अजदहे ने कोने की एक अलमारी की जानिब इशारा किया। वो खूबसूरत खजानों से भरी हुई थी। सोने की चक्की को नीचे उतारो और उसे मेरे पास लाओ। नूर ने
उसे चक्की सौंप दी। देखो और सुनो। वो हाथी को घुमाने लगा और जैसे ही उसने घुमाया उसने कहा, सोने की चक्की मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए। जब अजदही ने उन जादुई लफ्जों को कहा तब एक भावड़ा उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने खुद से ही ये खोदना शुरू किया। उसने भारी चट्टानों को उठा लिया। अचानक एक भावड़ा सामने आया, उसने भी खुदाई शुरू कर दी और एक और भावड़ा आया और एक और और एक और। कुछ ही वक्त बाद सभी भावड़ों ने अपना काम पूरा किया और अजदही ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ, रुको। चक्की ने भावड़े बनाना बंद कर दिए और आखिर में अजदहा आजाद हो गया। तुमने मेरी मदद की इसीलिए मैं तुम्हें ये जादू की चक्की दे रहा हूँ। बस जादुई लफ्ज बोलना और ये चक्की तुम्हें वो सब कुछ दे देगी जो तुम्हें चाहिए। ओह शुक्रिया। अजदही ने नूर को अलविदा कहा। अब चक्की को बंद करने के लिए जादू के लफ्जों को मत भूलो। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम उन जादुई लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करोगी। वो मैं नहीं भूलूंगी। अपने भतीजों को वो अनोखी जादू की चक्की दिखाने के लिए वो चल पड़ी। जब उसके भतीजों ने चक्की देखी तो वो बहुत खुश नहीं हुए। हमारा खाना कहाँ है नूर पुप्पो? हम खाना खाएंगे। सुनो, नूर ने हाथी को घुमाना शुरू किया। सोने की चक्की मेहरबानी कर मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना मुझे आज क्या चाहिए। एकदम ही खाने से मेज पुर हो गई। वहां पर टर्की और हैम, मसले हुए आलू, मटर और गाजर, फल, पनीर, दूध और ब्रेड थे। तब नूर ने कहा, सोने की चक्की बंद हो जाओ, रुको। चक्की ने खाना बनाना बंद कर दिया और तब वो चिल्लाया, ओ फूफो, नए कपड़े भी मांगते हैं। नूर ने जादुई लफ्ज कहे और पलक झपकते ही उन्हें बढ़िया नए कपड़े मिल गए। तब सेठ ने कहा, चलो नया फर्नीचर भी मांगते हैं। तब नूर ने हाथी को घुमाया और जादुई लफ्ज कहे। तब चक्की ने उन्हें खूबसूरत नया फर्नीचर दिया। तब रॉ और सेठ एक साथ चिल्लाने लगे, हम अमीर हैं। और वो अपने बिस्तर पर ऊपर नीचे उछल कूद करने लगे। बस याद रखना, कभी भी किसी को जादुई लफ्ज मत बताना। अगली सुबह नूर और उसके भतीजे मालिक अनुबीस के बाग में काम करने नहीं गए। नूर कुछ फूल के पौधे लगाने के लिए घर पर ही रुकी। सेठ और रॉ नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए। तब मालिक अनुबीस जल्दी ही उनसे मिलने आया और मालूम किया कि नूर और उसके भतीजे उसके लिए उस दिन काम पर क्यों नहीं आए। वो उसकी नई चीजें देखकर हैरान रह गया और वो हैरानी से चिल्लाया, ये सब तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम लोगों को ये तमाम कहाँ से मिला? ये एक राज है, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं बादशाह के करीब जाऊंगा। तुम लोगों को चोरी के जुर्म में जेल में डाल देंगे। नूर ने उसे चक्की दिखाई। मैंने कुछ नहीं चुराया, ये चक्की जो कुछ भी मुझे चाहिए वो दे देती है। मालिक अनुबीस ने चक्की उससे छीन ली। मैं तुम्हारे लिए इसका ख्याल रखूंगा। और वो सीधा घर चला गया और उसे नीचे रखा और हत्था घुमाया और कहा, मेहरबानी करके मुझे कुछ सोना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। फिर वो गुस्से से चिल्लाया, मैं अभी भी सोना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उसने कहा, मुझे मालूम करना होगा ये मेरा हुक्म कैसे मानेगी। वो नूर के भतीजों को तलाश करने के लिए चला गया। नूर और उसके भतीजे फिर से मालिक अनुबीस के लिए कभी काम पर नहीं गए। नूर अपने छायादार बगीचे में काम करने लगी। सैद और रा अपना वक्त मछली पकड़ने में गुजारने लगे और जादू की चक्की ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया जो उन्हें खुशी से जीने के लिए जरूरी था। मालिक अनुबीस ने सैद और रा को
नदी पर मछली पकड़ते हुए देखा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने सुना है कि तुम लोगों के पास एक जादुई चक्की है जो जो चाहिए वो देती है। मुझे बताओ कि कैसे काम करती है। यह आसान है, आप बस कहें सोने की चक्की मेहरबानी करके मेरी मदद करो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सैद ने फौरन ही अपने भाई को कोहनी मारी और आहिस्ता से बोला, ये एक राज है। रॉ ने दूसरा कोई भी लफ्ज नहीं बताया। बहुत ही दिलचस्प। अब वो जानता था कि चक्की कैसे काम करती है। वो अपने जहाज की तरफ भागा और गांव से भाग गया ताकि कोई भी उससे जादुई चक्की ना ले ले। वो अब फिर से कोशिश करने के लिए उतावला था, लिहाजा उसने समंदर में ही हत्थे को घुमाना शुरू कर दिया। मुझे पहले इसको जांचना चाहिए, मैं इससे थोड़ा नमक मांगूंगा, अपनी लालची आवाज में उसने कहा। सोने की चक्की, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। यकीनन चक्की ने नमक बनाना शुरू कर दिया। चक्की ने बहुत नमक बनाया। अब उसका जहाज नमक से भर गया और वो बहुत भारी हुआ, इसीलिए वो चिल्लाया, इसे रोको, बंद करो ये चक्की, इसे रोको, अरे रुको, रुक जाओ। लेकिन वो जादुई लफ्ज नहीं जानता था तो चक्की नहीं रुकी। जल्दी ही उसका जहाज वजन की वजह से डूबने लगा और आखिरकार जहाज और अनुबीस पानी में डूब गए। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो, वो जादुई चक्की अब भी चल रही है और नमक बना रही है, इसीलिए समंदर का पानी इतना खारा है। कहानी समाप्त।